नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट किया था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया था। अब यहाँ पर हम जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं ना, उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 16x^8 -25 dx। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर सबसे पहले तो लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 16x^8 -25 dx। देखो इसको ना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, तो एक काम करते हैं, देखो एक्स क्यूब यहाँ पे रहने देते हैं 16। ये जो x^8 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x^4 और फिर इसका पावर 2 -25 dx। देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, x^8 ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लेट x^4 इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखो x^4 इसका डेरिवेटिव 4x³ इज इक्वल टू dt/dx। 4 को इधर ले लो, dx को इधर, तो क्या हो जाएगा x³ × dx इज इक्वल टू dt/4। अब आ जाइए यहाँ पर I इज इक्वल इंटीग्रेशन x³ dx, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं dt/4। तो ये देखो मैंने लिख दिया dt/4, फिर 1/16। x^4 के प्लेस पर लिख सकते हैं t और इसका स्क्वायर -25। ये जो 4 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/4, फिर इंटीग्रेशन 1/16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो मैंने एक काम किया, देखो 16 को मैंने कैसे लिखा, 4 और फिर यहाँ पर लिख दिया t, फिर दोनों को कर दिया ब्रैकेट में और यहाँ पर इनका पावर लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये दोनों ब्रैकेट के बाहर आएंगे ना तो फिर से क्या हो जाएगा, 16t² क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर होगा, राइट। माइनस अब ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5² dt। अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखना बाई यूजिंग, ओके, बाई यूजिंग कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/x² -a² dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2a log(x - a)/(x + a+c), राइट। तो क्या हो जाएगा, देखिए I इज इक्वल टू यहाँ पर 1/4 है तो इसको हम लिख लेते हैं फिर 1/2a, तो इंटू 1/2a। a यहाँ पर क्या है, देखो ये आपका x है, ये आपका a है, a है आपका 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, ठीक है। फिर log ऑफ मोड ऑफ, इसको मैं रफ कर देती हूँ, क्या आता है x माइनस a, तो यहाँ पर आपका x क्या है, 4t, तो 4t माइनस y अपॉन 4t प्लस y इंटू 1/t का कोएफिशिएंट क्या है, 4, फिर यहाँ पर लिख दीजिए प्लस c। अब मल्टीप्लाई करिए तो ध्यान से देखिएगा, 5 × 2 = 10, 10 × 4 = 40 और 40 × 4 = क्या हो जाएगा, 160। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/160, फिर log ऑफ मोड ऑफ 4t - y / 4t + y + c। अब t के प्लेस पर लिखेंगे x^4, तो यहाँ पर लिख देते हैं therefore I इज इक्वल टू 1/160, फिर log ऑफ मोड ऑफ 4t के प्लेस पर x^4 लिखेंगे -y/4x^4 + y + c, ओके। इस तरह से आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करूंगी, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a² -
वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं सोचिए। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं बी एक्स दोनों को साथ में लिखते हैं और फिर यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं दोनों का, ठीक है डी एक्स। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर लिखना बाय यूजिंग इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ मोड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, राइट। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे समझ में आया कि हमको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि देखो पहले क्या है ए है फिर बाद में एक्स है, और यहाँ पर हमको कैसे समझ में आया था कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, देखो यहाँ पर पहले एक्स है फिर ए है, ओके। तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए, ए यहाँ पर क्या है ए है तो लिख दीजिए टू ए, उसके बाद लॉग ऑफ मोड ऑफ क्या आता है ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स यहाँ पर क्या है बी एक्स लिख दिया मैंने, फिर ए माइनस बी एक्स इंटू वन अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी प्लस सी। देखो इसे आपको लिखना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई कर दो तो वन अपॉन टू ए इंटू बी करेंगे तो टू ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे लॉग ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस सी। तो यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन वन अपॉन सेवन प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम लिखते हैं आई इज इक्वल टू, एक काम करते हैं माइनस को ना ऐसे बाहर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन, तो देखो यहाँ पर क्या होगा जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस सिक्स एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, ये प्लस सेवन है तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम बी स्क्वायर अपॉन फोर ए का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, तो बी मतलब माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स अपॉन फोर इंटू ए, ए मतलब वन, तो सिक्स सिक्स आ थर्टी सिक्स अपॉन फोर, फोर वन सा फोर, फोर नाइन सा थर्टी सिक्स, यहाँ पर आपको क्या मिला नाइन मिला। तो क्या करेंगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है इसमें हम प्लस नाइन करेंगे एंड माइनस नाइन करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, फिर प्लस नाइन माइनस नाइन, उसके बाद माइनस सेवन डी एक्स। अब इन तीनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन, यहाँ पर देखो एक्स है तो एक्स लिखा, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस का तो माइनस, और यहाँ पे क्या है नाइन, तो नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का द होल स्क्वायर, माइनस नाइन और माइनस सेवन क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटीन डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर माइनस, ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर है फोर का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फोर का स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, तो देखो माइनस को अंदर लेते हैं तो क्या हो जाएगा जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रेशन वन अपॉन, देखो ये क्या है माइनस फोर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस फोर स्क्वायर, फिर ये प्लस में है तो माइनस एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखिएगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ मोड ऑफ ए प्लस एक्स
अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ओके, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, देखिए यहां पर वन अपॉन टू ए, ए का मतलब फोर, यहां पर मैंने लिख दिया फोर लॉग ऑफ मोड ऑफ ए प्लस एक्स, मतलब फोर प्लस एक्स माइनस थ्री होगा, तो फोर प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस थ्री लिखना है तो यहाँ पर एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस सी। अब वन अपॉन फोर टू सा एट लॉग ऑफ मोड ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, देखो ब्रैकेट को हटा देते हैं तो फोर प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन, यहाँ पर भी ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस सी। अब आई इज इक्वल टू वन अपॉन एट लॉग मोड, फोर माइनस थ्री करेंगे तो वन प्लस एक्स अपॉन, यहाँ पर फोर प्लस थ्री करेंगे तो सेवन माइनस एक्स प्लस सी, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट, तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट डी एक्स। तो आपको याद होगा मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे जो रूट वाले फॉर्मूले थे, ठीक है, डिनोमेटर में क्या रहता था, रूट रहता था और फिर उसमें रहता था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके मैंने आपको दो फॉर्मूले दिए थे। तो हम यहाँ पर ना उन्हीं दोनों में से कोई तो एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब रूट में क्या रहता है, एक्स स्क्वायर रहता है और ए स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर लाना पड़ेगा। अब लाएंगे कैसे वो देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर, ये जो थ्री है थ्री को मैं कैसे लिख सकती हूँ, रूट थ्री और यहाँ पर इसका स्क्वायर, ठीक है, थ्री को मैंने कैसे लिखा, रूट में इसको कर दिया और फिर इसका स्क्वायर, ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एट को कैसे लिख सकते हैं, रूट एट और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है ना, इसका मतलब एट ही होगा। अब इंटीग्रेशन वन अपॉन, दोनों को एक में करके लिख देते हैं, तो रूट थ्री और यहाँ पर एक्स, देखो एक्स रूट में नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस रूट ओवर एट और इसका स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आई इज इक्वल टू लॉग फिर मोड एक्स आता है, तो ये आपका एक्स है ये आपका ए है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट थ्री एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब रूट थ्री एक्स और इसका स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट एट का स्क्वायर, राइट, फिर इनटू, इनटू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, रूट थ्री है ना, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा, भूलिएगा मत वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब वन अपॉन रूट थ्री को आगे ले लेते हैं, फिर लॉग मोड रूट थ्री एक्स प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया थ्री एक्स प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर एट प्लस सी, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट सम देख लेते हैं, नाइन्थ वन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिया है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन डी एक्स, ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, फोर इंटू फोर अपॉन फोर इंटू वन, तो फोर से फोर कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया फोर, तो हम क्या करेंगे, फोर को इसमें
ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस फोर प्लस 29। ओके यहाँ पर लिख दीजिएगा dx, इन तीनों को कर दिया एक ब्रैकेट में, फिर इंटीग्रेशन वन अपॉन, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या प्लस तो प्लस, फिर फोर किसका स्क्वायर है, टू का द होल स्क्वायर। अब माइनस फोर प्लस 29 क्या हो जाएगा, प्लस 25 dx। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर, देखो रूट लगाना है, रूट को भूलना नहीं है, रूट लगाना है, तो यहाँ पर x प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ये वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे I इज इक्वल टू log मॉड क्या आता है x, ये आपका x है, ये आपका a है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे x प्लस टू प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब x प्लस टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या आता है a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब क्या, फाइव का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस c। ओके अब आगे करते हैं, तो log mod x प्लस टू प्लस रूट ओवर, चलो इसको एक्सपांड करते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फिर प्लस फोर प्लस फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस c। अब आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे I इज इक्वल टू log ऑफ मोड ऑफ x प्लस टू फिर प्लस रूट ओवर, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फोर प्लस 25 इज 29। ओके प्लस c, तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, तो आप फटाफट से इनको कॉपी कर लो, फिर हम बचे हुए दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी एक्स, तो कैसे करेंगे हम, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना, सेम आपको वैसे ही करना है। देखो उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस था और इसमें क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस वाले में प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखो यहाँ पर लिखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन, देखो ये जो थ्री एक्स स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थ्री को रूट में कर देंगे फिर एक्स और फिर पूरे का स्क्वायर माइनस रूट ओवर फाइव और इसका स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करिए, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, बाई यूजिंग इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स आपका क्या है रूट थ्री एक्स लिख दिया मैंने, फिर प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब रूट थ्री एक्स और इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या रूट फाइव का स्क्वायर, फिर प्लस सी। देखो लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा, देयर फॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड रूट थ्री एक्स प्लस रूट ओवर, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर आ गया थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस सी। तो देखा आपने कितना सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 20 डी एक्स। ओके तो इसको आप कैसे करोगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर
9 को किया था ना वैसे ही करना है। चलो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप एक काम करो, बी स्क्वायर अपॉन 4a का वैल्यू निकाल लो। तो b आपका क्या है, -8 × -8 अपॉन 4 × 1, a का वैल्यू 1 है ना, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, -2 × -8 +16। ओके, अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर -8x, फिर +16, देन -16, -20 dx। अब इन तीनों को आप एक ब्रैकेट में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर, यहाँ पर x है तो x, माइनस, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है ना तो माइनस आएगा। अब ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, द होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -16 और -20, तो यहाँ पर हो जाएगा -36 dx। फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, यहाँ पर लिख दीजिए 6 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, i इज इक्वल टू log mod, ये आपका x है और ये आपका a है, तो यहाँ पर क्या आता है, x आता है ना, तो लिख देंगे हम x माइनस 4, फिर प्लस रूट ओवर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका x है, ये आपका a है, चलो लिख देते हैं x माइनस 4 द होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस c। अब i इज इक्वल टू log mod x माइनस 4 प्लस, इसको एक्सपांड करते हैं x माइनस 4 द होल स्क्वायर को, तो x स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8x, फिर प्लस 16 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। ओके, प्लस c। अब क्या आएगा, देखो यहाँ पर लिखना, देयर फोर i इज इक्वल टू log mod x माइनस 4 प्लस रूट ओवर, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 36, यहाँ पर आ जाएगा -20। ओके, प्लस c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुआ एंड आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।